नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अतुल सिंघल और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दिल्ली सरकार पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दरअसल मेरे पास ये काफ़ी सारे अखबार हैं जो आज के दैनिक अखबार हैं और प्रमुख समाचार पत्र हैं हिंदी के। जो सबसे पहले मेरा ध्यान खींचा अखबार की एक खबर ने कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि उन्होंने विज्ञापन पर कितना खर्च किया पिछले 3 साल में, इस बात का वो ब्यौरा दें। सबसे बड़े जो विषय है, जब अदालत ने सवाल उठाया और फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, तो उसके पीछे कारण ये था कि सरकार ने जो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट आना है उसके लिए पैसा देने से मना कर दिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। अदालत ने पूछा कि जब आप विज्ञापन दे सकते हैं, विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास विकास कार्यों के लिए पैसा क्यों नहीं है, और क्या विज्ञापन का सारा पैसा विकास कार्यों में या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लगाने का आदेश दें, आप ऐसा चाहते हैं? तो एक बड़ा गंभीर ये विषय है, कोई ये सामान्य सी बात नहीं है, क्योंकि जब से सरकार बनी है दिल्ली सरकार, और 2015 से तो करीब करीब 8 साल तो इस दिल्ली सरकार को हो चुके हैं, आप देखेंगे कि हर चीज़ के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। छोटी छोटी बात के लिए, गली का उद्घाटन है, गली में खड़ंजा लगा दिया गया, इससे 200 लोगों को फायदा होगा, बधाई दिल्ली, मुबारक हो दिल्ली, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर विज्ञापन में आपने लगातार देखी। और अरविंद केजरीवाल अक्सर ये बोलते हैं कि दिल्ली सरकार इतना खर्चा कर रही है और फिर भी दिल्ली सरकार के पास पैसा खूब है, खूब विकास कार्य किए, हमने विश्व स्तर का इसको दिल्ली को बना दिया और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो इस तरह की बातें करते हैं जब मंचों पर होते हैं तो। और ये बात तो अब सामने आई है जब उन्होंने अदालत को कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो कहते हैं कि हमारे पास खूब पैसा है, हमने खूब विकास कार्य किए, तो सवाल ये है कि फिर पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इस बात का कोई जो रिकॉर्ड है वो सही मायने में अगर देखा जाए तो किसी आम नागरिक के पास नहीं है। और जो मुझे ये लगता है कि जब दिल्ली सरकार कहती है हमारा फायदे का बजट है, तो मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आपने महीने में 100 रुपये कमाए, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए मेरी तनख्वाह 100 रुपया है और मेरे को दूध के कुछ पैसे देने हैं, कुछ सफाई वाले को पैसे देने हैं, कुछ घर की मेड को पैसे देने हैं, कुछ मेरे को सब्जी में पैसे देने हैं, कुछ घर का राशन लाना है, वो चीज़ें मैं उधार में लाता रहूं या उनमें कटौती कर दूं कि हम बच्चों को कहें कि नहीं कम खाएंगे, आप दूध पीना दूध 2 किलो घटा कर 1 किलो कर दें, या दूध वाले का हमने उधार कर दिया, सब्जियां राशन उधार में लानी शुरू कर दी और बाद में हम कहें देखिए हमारे पास तो 10 रुपये खर्च हुए, 90 रुपये बच गए। तो ये कुछ ऐसी स्थिति मुझे लगती है कि जो आपके पास पैसा है, या तो आप उसको सही तरीके से जो उसको खर्च नहीं कर रहे हैं जहाँ पे उसको खर्च होना चाहिए। कर्ज चढ़ रहा है, जैसे लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो जल बोर्ड के ऊपर काफ़ी कर्ज है, DTC घाटे में है। तो जब आप पैसा नहीं देंगे, किसी को तनख्वाह रोक लेंगे, MCD में 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कुछ ऐसा भी समाचार पढ़ने को मिले थे। हालांकि आज MCD का एक बयान छपा कि अरविंद केजरीवाल का, वो भी मैंने पढ़ा कि हमारे को बहुत फायदा हुआ, लोगों को विश्वास है हमारे ऊपर और इसलिए खूब जी भरकर उन्होंने हमें टैक्स दिया, 1 करोड़ रुपये का फायदा हो गया। तो इस पैसे को खर्च करें सही तरीके से। इसके अलावा जो 2-3 खबरें और थी, कैसे ये एक तरीके से अनार्किस्ट ये कहिए सरकार चल रही है कि मनीष सिसोदिया को जमानत देने से अदालत ने फिर मना कर दिया हाई कोर्ट ने, और ये कहा कि वो जो है प्रभावित भी कर सकते हैं गवाहों को, इसके अलावा उन्होंने बाहर के लोगों के दबाव में पॉलिसी बनाई है। तो 7वीं बार मनीष सिसोदिया की जमानत जो है वो खारिज हुई है। तो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है और ये इस बात को कहीं ना कहीं इंगित करता है कि किस प्रकार से सरकार में कामकाज होता रहा है। हालांकि 3 दिन पहले भी मैंने एक बयान पढ़ा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल बेगुनाह है, सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, मोदी जी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचा दिया करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का। हाँ, उनका जो संकेत था वो शायद अडानी अंबानी की तरफ था कि उनके वो माफ़ कर दिए। जब वो ये बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अदालत की तोहीन भी है, क्योंकि अदालत के अंदर मामला है, अदालत की जांच एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया। अगर बेगुनाह है तो उनको जमानत मिल जानी चाहिए, यही हाल सत्येंद्र जैन का है। एक खबर इसके अलावा जो सामने आई वो ये थी कि 400 जो विशेषज्ञ थे उनको उपराज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। अब 400 विशेषज्ञ कैसे रखे थे, किस चीज़ में उनको महारत हासिल थी, उससे देश दिल्ली की क्या तरक्की हुई, क्या उनका योगदान रहा, या आरोप ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको उपकृत करने के लिए गलत तरीके से रख दिया गया और सरकार के अंदर उनकी दखलंदाजी बनी रही। संवैधानिक पोस्टों पर जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, IAS IPS बैठे हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं, उनके ऊपर इनका ये अंकुश लगाए रखें और ये अपनी मनमानी करें, इसलिए इन लोगों की जो है नियुक्तियाँ की गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए।
क्योंकि किसी भी नियुक्ति के लिए सरकार के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया होती है, और खुद सेवा विभाग ने इस बात को इंगित किया कि ये लोग जो हैं सारे जो पैरामीटर्स हैं विशेषज्ञ के उसको पूरा नहीं करते हैं, फिर जो रिजर्वेशन होना चाहिए जो अदालत का आदेश है, जो संविधान के अंदर विशेष का प्रावधान है एक तरीके से रिजर्वेशन का, तो उसके आधार पर भी नियुक्तियाँ नहीं हुई। कुल मिलाकर अपने अपने लोगों को गलत तरीके से नियुक्तियाँ दी गई, बड़े बड़े उनको पैसे दिए गए, वो भी हमारे को कुछ सूचनाएं आई हैं, उसका भी मैं आगे खुलासा करूंगा किस तरीके से अलग अलग जो बोर्ड निगम हैं उसके अंदर नियुक्तियाँ की गई और मोटा पैसा लोगों को दिया जा रहा है और बिना किसी कार्य के, केवल इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली DERC के चेयरमैन की नियुक्ति होनी थी, बिजली मंत्री ने कह दिया उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उपराज्यपाल बार बार कह रहे हैं कि उनको शपथ दिलाई जाए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी शपथ होनी चाहिए, लेकिन काम नहीं करना तो शपथ नहीं दिलाई, तबीयत खराब हो गई। अब उपराज्यपाल को मजबूरन कहना पड़ा कि भाई आप जो है इसको ऑनलाइन शपथ दिलाइएगा या फिर मुख्यमंत्री खुद शपथ दिलाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमने देखा, थोड़ा सा अखबारों में बातें छपने लगी हैं, पिछले काफ़ी समय से बातें नहीं छप रही थी, लेकिन अब कुछ खबरें इस तरह की आने लगी हैं जब से थोड़ा सा सरकार में उपराज्यपाल ने इन चीज़ों की जाँच करनी शुरू की है और उपराज्यपाल कार्यालय एक तरीके से सक्रिय हुआ है, तो कुछ बातें मीडिया में सामने आने लगी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 3 साल का क्यों, 8 साल के विज्ञापनों का ब्यौरा निकलना चाहिए कि किस प्रकार से विज्ञापन दिए गए, कौन कौन से विज्ञापन दिए गए, किस किस अखबार को कितने कितने विज्ञापन दिए गए, किस मीडिया में कितने विज्ञापन गए, सारी चीज़ें, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट सरकार है, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें जनता को जानने का हक है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो नहीं रुकने चाहिए, और मेरा ये मानना है कि जैसे पहले सरकार चलती थी, हमने देखा है कि पिछले 20 साल में 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, 5 साल BJP की सरकार रही, ना तो कभी ऐसा टकराव हुआ, ना कभी विकास के कार्यों में ऐसी बाधा आई। विकास के कार्यों का मतलब मैं बार बार सड़कों की बात करता हूँ, सड़कों की हालत बहुत खराब है जिस इलाके में मैं रहता हूँ, रोहिणी पीतमपुरा शालीमार बाग के इलाके में, इधर भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। बाहरी दिल्ली में आप जाकर देख लीजिए, सड़कों के अंदर कोई मरम्मत नहीं हुई, बरसात के अंदर आपने देखा कि पहली बरसात में किस तरीके से दिल्ली पानी पानी हो गई। एक समाचार हमने पढ़ा था कि कहीं पानी भरने से एक ऑटो चालक या एक किसी व्यक्ति की दुखदायी मृत्यु हो गई उसके अंदर, उसका कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर जाँच बैठनी चाहिए, कौन उसका जिम्मेदार है? अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में जल भराव के कारण डूबकर मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केवल आपने जांच बिठा दी, उस खबरों को दबा दिया। तो ये सब बातें नहीं चलने वाली हैं, और मैं अदालत से फिर एक बार आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि इन बातों का संज्ञान लें और इन बातों को लोगों के सामने लाया जाए, और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी होना चाहिए। लोगों को विकास से मतलब है, विकास कार्यों से मतलब है, दिल्ली में विकास के कार्य चलते रहने चाहिए। और इसके अलावा अब मैंने इस बात को भी तय किया है कि कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो मुझे लगेगी कि सही नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो मैं अपने चैनल के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेके आएँ। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइएगा, यही मेरा आपसे आग्रह है। कार्यक्रम में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी भेंट, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।